स्वागत करता विशद छत्र सा खुला रेशमी नील गगन, स्वागत करती गंगा जिसके स्नेह पास में राजभवन, स्वागत करती धरणी नौ नौ शस्यों में लहरा प्रतिक्षण, स्वागत करता काला कांकर शत शत कंठों से श्रीमन। पुण्य सलिला मोक्षदायिनी माँ भागीरथी के पावन तट पर अवस्थित काला कांकर सन 1857 ईसा से स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्ष 1947 तक ऐसा स्थान बन गया था जहां स्वतंत्रता के अनेक महान सेनानी आए, चाहे वह महामना मालवीय जी हों या पूज्य बापू। यहां के नरेशों को स्वतंत्रता संघर्ष के दरमियान अनेक राष्ट्रीय विभूतियों से मिलने, साथ कार्य करने तथा संघर्ष की नई दिशा निश्चित करने का अवसर मिला। ऐसी विभूतियों में स्वामी करपात्री जी महाराज एवं नेहरू परिवार, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रफ़ी अहमद किदवई, गणेश शंकर विद्यार्थी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, बाबा रामचंद तथा चाकी खूंटिया प्रभृति प्रमुख हैं। काला कांकर वह स्थली है जहाँ स्वतंत्रता संघर्ष के पूरे काल में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के प्रचार प्रसार के लिए पत्रकारिता की अजरस धारा निरंतर बहती रही है। यह धारा हिंदी का प्रथम दैनिक हिंदुस्तान, जो अंग्रेजी में भी प्रकाशित होता था, से शुरू होकर सम्राट तथा दरिद्र नारायण से राउंड टेबल और वर्तमान भूलक्ष्मी तक पहुंचती है। हिंदी पत्रकारिता के ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय संपादक एवं पत्रकार इन पत्रों से जुड़ते रहे। इनमें मालवीय जी से लेकर बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त आदि प्रमुख रहे। राष्ट्रीय साहित्यकारों का यह प्रेरणा स्थल रहा। सुमित्रानंदन पंत, सोहन लाल द्विवेदी तथा शांति प्रिय द्विवेदी की यह कर्मस्थली रही है। सन 1628 ईस्वी में मझौली राज्य गोरखपुर से आकर धारूपुर रामपुर में बिसेन राजवंश ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। कालांतर में राजा हनुमत सिंह जी ने सन 1835 ईसा में धारूपुर से माँ गंगा के पावन तट पर स्थित काला कांकर में अपने राज्य की स्थापना किया। राजा हनुमत सिंह काला कांकर राज्य के संस्थापक एवं स्वतंत्र भारत के नींव के पत्थर, बड़े ही नीति कुशल, प्रतापी तथा आगीर्ण नरेश थे। उन्होंने सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पावन यज्ञ में अपने प्रिय ज्येष्ठ पुत्र की आहुति दी। राजा लाल प्रताप सिंह सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मातृभूमि को विदेशियों से मुक्त कराने के लिए यहां के देशभक्त वीरों के साथ चांदा सुल्तानपुर में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हीं अमर शहीद के पुण्य स्मृति में काला कांकर में प्रताप द्वार का निर्माण कराया गया। राजा रामपाल सिंह बड़े ही स्वतंत्र विचारों एवं बहुमुखी प्रतिभा के आदर्श नरेश थे। वे साहित्य, संगीत एवं कला के मर्मज्ञ, राजनीति कुशल तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। वे प्रसिद्ध वक्ता, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य तथा कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। मातृभाषा की उन्नत के लिए उन्होंने हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र हिंदुस्तान निकाला, जिसका संपादन पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया। हनुमत विद्यालय तथा रामपाल चिकित्सालय की स्थापना करके उन्होंने काला कांकर की श्री वृद्धि किया। राजा रमेश सिंह कविता विनीप एवं भारत भूषण की उपाधियों से विभूषित साहित्यकार, पत्रकार एवं प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने यहाँ के साहित्य उद्यान को भलीभांति सींचा। उन्होंने संस्कृत पाठशाला तथा कवि समाज की स्थापना की और हिंदुस्तान के साथ ही साथ सम्राट नामक पत्र भी निकाला। राजा अवधेश सिंह पंचायती राज के प्रथम संस्थापक, आर्य समाजी तथा महान राजनीतिज्ञ एवं
सुप्रसिद्ध देशभक्त नरेश थे, जिन्होंने अल्प आयु में ही राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी यशार्जन किया। गांव-गांव पंचायतें स्थापित करके और राज का सारा प्रबंध जनता के प्रतिनिधियों को सौंपकर उन्होंने सच्चे प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना किया। उनमें छुआछूत, मद्यपान, रूढ़िवाद तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की प्रवृत्ति जन्मजात थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनके आमंत्रण पर 14 नवंबर 1929 ईस्वी को कालाकाकर में पधारकर विदेशी वस्त्रों की विशाल होली जलाई तथा राजभवन पर तिरंगा फहराया। राजा दिनेश सिंह स्वतंत्र भारत के विकास पुरुष, विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति के अग्रदूत थे। 8 वर्षों तक विदेशी दूतावासों में रहने के बाद वे आजीवन वाणिज्य उद्योग एवं विदेश विभाग के केंद्रीय मंत्री के रूप में देश की सेवा में संलग्न रहे। उन्होंने 6 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा को सुशोभित किया। राजा साहब ग्राम पंचायत के वर्तमान स्वरूप के जन्मदाता एवं विश्व प्रसिद्ध राउंड टेबल पत्रिका के संपादक रहे। उन्होंने प्रतापगढ़ को औद्योगीकरण और विकास की अन्य धाराओं की ओर उन्मुख किया। उनका बहुआयामी व्यक्तित्व हम सबकी प्रेरणा स्रोत है। राजकुमारी रत्ना सिंह जी संप्रति अपनी उसी गौरवशाली परंपरा का सम्यक निर्वहन कर रही हैं। 3 बार प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होकर इन्होंने भारतीय लोकतंत्र एवं भारतीय संसद की गरिमा का मान बढ़ाया है। प्रतापगढ़ की जनता एवं महिलाओं के उन्नयन हेतु वे अहर्निश समर्पित हैं। इन्होंने नवंबर 1999 ईस्वी में ऐठू में राजा दिनेश सिंह कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कर काला कांकर की गौरवमयी परंपरा में एक नवीन अध्याय जोड़ दिया है, जिससे प्रतिवर्ष लाखों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। 2009 ईस्वी में वे भारत सरकार के महिला सशक्तिकरण की चेयरपर्सन बनी। ये कई शैक्षणिक संस्थानों में चेयरपर्सन रहते हुए निरंतर समाज हित में कार्यरत हैं। उनके सुपुत्र युवराज भुवन्यू सिंह अपनी वंश परंपरा अनुसार समाज सेवा में सदैव संलग्न है तथा सुपुत्री महाराज कुमारी तनुसी पर्यावरण के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं। काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, हे जग जीवन के कर्ण धार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार।